हेलो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे आस्क डॉक्टर मक्कड़ चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सके हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है डायबिटीज, शुगर या मधुमेह। ये सभी का एक ही नाम है। जो शुगर है, ये आज की डेट में शुगर की जो हम कहते हैं डायबिटिक कैपिटल, वो भारत बनता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या है? एक तो लाइफस्टाइल में जो गड़बड़े हो रही है उसके कारण हो रहा है। दूसरा, ये क्यों हो रहा है? जो हम खान पीन में आजकल शुगरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा खाने लग पड़े हैं, ये उसकी वजह से हो रहा है। हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हम पचा सकते हैं। जब हम जोर से ज़्यादा खाएंगे, जो हम पचा नहीं पाएंगे, तो उसके कारण हमारे शरीर में शुगर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। मान लो अगर किसी गाड़ी की टंकी 15 लीटर की है, आप उसमें 15 लीटर से ऊपर अगर डीजल या पेट्रोल डालोगे तो वो आउटफ्लो ही होगा, वो शरीर में तो रुकेगा नहीं। ऐसे ही शरीर की एक कैपेसिटी होती है। जो अपना शरीर है, इसमें जो शुगर का जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो 180 है। अगर 180 से ऊपर जाती है तो शुगर ये आपके यूरिन में आने लग पड़ेगी। तो 180 से ज़्यादा हमने शुगर नहीं जाने देना, क्योंकि इसका असर आपके गुर्दों पर भी होने लग पड़ता है, इसका आँखों में भी होने लग पड़ता है, इसका आपके न्यूरोपैथी में भी होने लग पड़ता है। तो शरीर में उतनी शुगर लेकर जाओ जितनी आप कंजम्पशन कर सको। अब शुगर बढ़ती क्यों है, ये क्वेश्चन बार बार लोगों के सामने आ रहा है। जो आजकल की हमारी जीवन शैली हो रही है, जीवन शैली में सबसे बड़ी गड़बड़ ये है, हम मशीनों पर निर्भर हो गए हैं सभी कामों के लिए। सभी काम हम मशीनों से ले रहे हैं, जिसके कारण कि हमारी शुगर बढ़ रही है। अगर पहले हमने कोई कहीं जाना होता था, कोई सामान लेने जाना होता था, तो हम चलकर जाते थे, वरना साइकिल पर जाते थे। दोनों में हमारी कैलोरी कंज्यूम हो रही थी, जो हम खा रहे थे वो हमारा कंज्यूम हो रहा था। मगर आजकल क्या है, हम कुछ भी लेना हो हम स्कूटर पर जाते हैं, चाहे वो हमारे 500 कदम दूर ही दुकान क्यों ना हो। तो अगर हम अपने बॉडी में शुगर डाल रहे हैं और उसको बर्न नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली वो आउटफ्लो की तरफ जाएगी। इसीलिए इसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज इसे पहले माना जाता था, मगर अब नहीं माना जाता। बहुत से सियाने डॉक्टर हैं, वो आपको ये समझाते हैं कि अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करो, प्रॉपर डाइट करो, तो आपकी शुगर की दवाइयाँ छूट जाएंगी। अगर आप शुगर की दवाइयाँ लेने भी जाओ तो आपको दवाइयाँ कौन सी मिलेंगी? देखो, शुगर में पैसा, सबसे पहले तो ये समझो शुगर होती कितनी तरह की। शुगर दो तरह की होती है, डायबिटीज दो तरह की होती है, डायबिटीज 1 और 2। 1 में तो इंसुलिन बन ही रहा, इन लोगों को तो चलो इंसुलिन लेनी पड़ेगी, ताउम्र लेनी पड़ेगी, और इनको लेनी भी या इंजेक्शन से पड़ेगी, क्योंकि बॉडी बना ही नहीं रही। मगर जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन रहा है, उसमें क्या होता है, शुगर में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई, यानी कि आपकी बॉडी में इंसुलिन है मगर बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही, इसीलिए वो शुगर को यूटिलाइज नहीं कर पा रही, इसीलिए शुगर कंटेंट आपके ब्लड में हौली हौली बढ़ रहा है। शुगर जहाँ आपकी फास्टिंग 100 होनी चाहिए, वो प्री डायबिटिक स्टेज में 120 हो जाती है, बाद में 140 भी हो सकती है, 160 भी होती है, मगर अलार्मिंग साइन होता है अगर ये 180 से ऊपर चले जाए। अगर तो आपकी शुगर 180 से ऊपर चलेगी, तो आपकी किडनी की जो थ्रेशोल्ड है वो रोक, जहाँ तक वो रोक सकती है आपके शरीर में शुगर निकलने से, वो 180 थी। इसके बाद अगर आपकी रेगुलर 180 से ऊपर रही, तो किडनियाँ हौली हौली अपना काम करना कम कर जाएंगी। अब किडनी पहले तो शुगर निकाल लेती, फिर शुगर के साथ साथ प्रोटीन भी निकालने लग पड़ेगी, जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, और ये हौली हौली करते करते ये विटामिन भी अपने साथ लेकर निकल जाएगी, जिसे कि हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। क्योंकि जो वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं, जैसे कि B6, B12, जब ये रेगुलर बॉडी से निकलते हैं, इसके साथ क्या होता है, आपकी नसें हीलिंग होना बंद हो जाती है, क्योंकि B12 का मेन रोल है नर्व हीलिंग में। जब विटामिन B12 बॉडी में होगा नहीं, तो नर्व हीलिंग नहीं होगी। इसी के कारण हाथ पैर डायबिटिक बंदों के सुन पड़ने लग पड़ेंगे और उनको परेशानी होगी कई कामों में। तो अब इन मरीजों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, इनको
एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज के ये मतलब नहीं कि आप जिम जाओ, एक्सरसाइज का मतलब है आप घरेलू कामों में ही काम मशीनों पर मत डालो, खुद काम करो और क्या है काम जो करना है वो रेगुलर करो। ऐसा नहीं एक दिन एक्सरसाइज कर ली छह दिन छोड़ दी। दूसरा क्या है आपने खाना जो खाना है खाना आपने लो कार्ब वाला खाना है। यहाँ लो कार्ब मैं कह रहा हूँ, मैं नो कार्ब नहीं कह रहा, बिल्कुल ही अगर आप कार्ब नहीं खाओगे तो इसका नुकसान आपके ब्रेन पर होता है क्योंकि आपका ब्रेन जो है ये चलता है आपके के शुगर पर और ऑक्सीजन पर। अगर ब्रेन को 5 मिनट शुगर और ऑक्सीजन ना मिले तो आपका ब्रेन स्लो हो जाएगा, वीकनेस ऑफ मेमोरी हो जाएगी। इसीलिए शुगर में जो मरीज अपना मीठा खाना छोड़ देते हैं उनकी याददाश्त कम होने शुरू हो जाती है। तो यहाँ लो कार्ब खाओ, कार्ब अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, इसके लिए हम नई पोस्ट लेकर आएंगे। इसके अलावा आपने फैट्स एंड प्रोटीन खाने हैं, फैट में आपने अच्छे फैट खाने हैं, ऐसा नहीं कि फैट और अगर प्रोटीन और कार्ब का अगर आप प्रॉपर कॉम्बिनेशन लो तो आप डाइट से भी केली शुगर ठीक कर सकते हो। अब तो बहुत डॉक्टर हैं जो दुनिया में ये मानते हैं कि अगर आप डाइट अच्छी करो तो आपको कोई दवाइयों की लोड नहीं होगी। अगर आप पहले 5 साल अगर डाइट अच्छी कर लो और एक्सरसाइज करो और कुछ होम्योपैथी दवाइयों का उपयोग करो तो आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हो, आप इससे जीत सकते हो। तो यहाँ मेन चीज ये है कि अब आपने कैसे पता करना है कि आपकी शुगर लंबे टाइम में कंट्रोल रहती है कि नहीं रहती। तो अगर लंबे टाइम में आपने पता करना है कि आपकी शुगर कंट्रोल रहती है कि नहीं रहती, उसके लिए आपने HbA1c या ग्लाइसिरेटेड हीमोग्लोबिन चेक करना है। ग्लाइसिरेटेड हीमोग्लोबिन ये वो होती है अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ये बताती है पिछले 3 महीने में क्या रहा, ये हौली हौली बढ़ती है या हौली हौली कम होती है, तो ये आपको लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव बताती है। तो इंसुलिन का उपयोग आपने डायबिटीज में नहीं करना, आपने डाइट और एक्सरसाइज का करना है क्योंकि इंसुलिन का जो यूज है ना ये थोड़ा सा टाइप 2 डायबिटीज में बेवकूफाना बात है। क्योंकि मान लो मुझे मेरा शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ऐसा नहीं कि इंसुलिन नहीं है, आप आगे जो इंसुलिन है शरीर यूज नहीं कर रहा आप और इंसुलिन के इंजेक्शन ठोक रहे हो, उससे तो आपका शरीर और इंसुलिन से भर जाएगा। ये वैसा ही है एक बंदा शराबी है उसको आप शराब छुड़ाने के लिए आप उसको 2 पैक और दे रहे हो कि तू शराब छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। इसीलिए क्या है इंसुलिन जो लोग लेते हैं उनका वेट बढ़ने लग पड़ता है। यहीं पर आप जितने भी आप डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाओगे सभी कहेंगे वेट कम करो इंसुलिन आपकी शुगर ठीक होगी। वहीं इंसुलिन लेने का पहला प्रमाण यही होता है कि वेट गेन हो जाता है। वहां जब आप डॉक्टर से अगर पूछोगे तो डॉक्टर के पास इन चीजों का जवाब नहीं होता, वो कहेंगे आप वेट कम करो जी जैसे मर्जी कम करो, वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि इंसुलिन ही आपका वेट गेन कर रही है। तो अब क्या है कि यहाँ पर होम्योपैथी का रोल, होम्योपैथी डायबिटीज में आपकी डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। आप ये मत सोचो डायबिटीज हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, क्योंकि देखो डायबिटीज क्या होता है कि आपकी बॉडी में आपका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज्यादा होना। अब नॉर्मल वैल्यू जो है वो अपना नॉर्मल से ऊपर जाए गई क्यों, वो ठीक करना जरूरी है। किसी को स्ट्रेस है, किसी को बेचैनी है, किसी को और परेशानी है, जैसे कि होम्योपैथी में आर्सेनिक दवा, आर्सेनिक दवा उन मरीजों की है जिनको की शुगर डायबिटीज है और इसके कारण इनको बेचैनी घबराहट और इनका मुंह बार बार सूखता रहता है, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहते हैं, तो इन लोगों को आर्सेनिक नाम की दवा यूज करनी चाहिए। वहां यहीं पर दूसरी दवा है साइजीजियम, साइजीजियम जामुन के अर्क से बनती है, ये उन मरीजों की दवा है जिनको की शुगर जिनकी बढ़ रही है, जामुन का अर्क उनकी शुगर कम करने में मदद करेगा। ये सालों सालों से प्रमाणित है कि जामुन बहुत अच्छा काम करता है, तो इसके लिए आप होम्योपैथी दवा साइजीजियम जंबो यूज करो। वहीं एक और दवा है जिसको हम कहते हैं जिम्नीमा स्टिलवेस्ट्रा उन लोगों की दवा है जिन्हें मीठा खाने का क्रेज पैदा होता है। अगर ये लोग
अपना जिमनीमा स्टाइल वेस्ट्रा खाएंगे तो इनको मीठा स्वाद लगना अट जाएगा। जब स्वाद ही लगना अट जाएगा तो वो मीठे की कंजम्पशन कम कर देगी। जो जो माताएं बहनें भाई मीठा अनकंट्रोल्ड खाते हैं और उनसे रुका नहीं जाता, क्योंकि जैसे जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, आपका शरीर कहता है मुझे ताकत के लिए कुछ खाना है कुछ खाना है, तो इन व्यक्तियों को कम खाने की जगह ज्यादा मीठा खाने का दिल करता है। उन मरीजों को जिमनीमा स्टिलवेस्ट्रा दवा यूज करनी चाहिए। अब अगर शुगर के कारण आपको वीकनेस हो रही है, आपकी पीठ दर्द हो रही है, या आपके पेशाब में झाग आ रही है, या आपको मानसिक और शारीरिक वीकनेस हो रही है, तो एसिड फोर्स आपकी मेन दवा है। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया, नेक्स्ट टाइम हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल बटन जरूर दबा देना, ताकि आने वाले टाइम में कोई जरूरी वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म हो गया।